जय हिंद दोस्तों, मैं हूं मोहन और आप देख रहे हैं डिजिटेक एजुकेशन। आज हम लोग बात करेंगे एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक के ऊपर और वो है हमारा रबर। तो रबर आप लोगों ने कहीं ना कहीं नाम सुना होगा, देखा भी होगा, लेकिन हम बात करेंगे आज पॉलीमर के रेस्पेक्ट में। तो रबर जो है, सबसे पहले जो बेसिक बात है वो हमारा एक प्रकार का इलास्टोमर ही होता है। रबर को हम इलास्टोमर्स बोलते हैं, ठीक है। तो इलास्टोमर क्या होता है? इलास्टोमर हमारा जिनके अंदर वीक इंटरमोलिकुलर फोर्सेस होते हैं, ठीक है। ये साथ में रबर हमारा एक हाई पॉलीमर होता है, मींस हाई बहुत सारे मोनोमर से मिलकर रबर हमारा बना होता है, जिसके अंदर इलेक्ट्रिक जो इलास्टिक प्रॉपर्टी होती है वो दूसरों के कंपैरिजन में 300 टाइम्स ज़्यादा होती है, मींस 300% ज़्यादा होगी क्या इलास्टिक प्रॉपर्टीज़ किसके अंदर, रबर के अंदर अलग मटेरियल से कंपेरिजन में, ठीक है। बात करेंगे हम नेचुरल रबर की, तो जो नेचुरल रबर है, हमें नेचुरल जैसे नाम से ही क्लियर हो रहा है, नेचुरल मीन्स नेचर से मिलने वाला रबर। तो नेचुरल रबर जो है हमें, वो हमें मिलता है किससे? लेटेक्स से। लेटेक्स आप लोगों ने कहीं ना कहीं सुना होगा, और लेटेक्स हमें कहाँ से मिलता है? लेटेक्स हमें मिलता है जो बार्क रहती है किसकी? ट्री की। ट्री की जो खाल होती है उससे हम लोग को लेटेक्स मिलता है, ठीक है। ध्यान रखना, नेचुरल रबर अगर आपसे कोई पूछता है कहाँ से मिलता है, तो नेचुरल रबर हमें मिलता है जो भी बार्क रहती है ट्री की उससे हम लोग निकालते हैं, मीन्स उस बार्क से हम लोग लेटेक्स निकालते हैं, लेटेक्स से फिर हमें नेचुरल रबर मिलता है। तो यहाँ पर डेफिनेशन लिखी गई है, आप लोग देख सकते हैं कि नेचुरल रबर इज अ हाई मोलिकुलर वेट हाइड्रोकार्बन पॉलीमर रिप्रेजेंटेड बाय द फॉर्मूला। इस फॉर्मूले से नेचुरल रबर को हम रिप्रेजेंट करते हैं, और जो हमें लेटेक्स से बनता है, ठीक है। तो देख सकते हैं आप लोग, और जो पॉलीमर है हमारा किसका, रबर का, वो आइसोप्रीन यूनिट से मिलकर बनता है। जैसे कि आइसोप्रीन कैसी है, आइसोप्रीन देख पाएंगे आप, ये आपका आइसोप्रीन है जिसमें 1 2 3 4, 1 2 3 4 पर है, मींस एक छोड़कर आपका डबल बॉन्ड है, ठीक है। देख पाएंगे आप 3 और 4th पोजीशन पर आपका डबल बॉन्ड आ रहा है। तो जब आइसोप्रीन का पॉलीमराइजेशन कराओगे, तो जो जो बॉन्ड आपका किस किस पर था, 1 पर था 1 पर और 3 पर था, मीन्स 1 एंड 3 पर जो आपका डबल बॉन्ड था, ये इस बार किस पे आ जाएगा, 2 पे आ जाएगा आपका, ठीक है। इस चीज को आपको ध्यान में रखना है, मीन्स क्या करना है आपको, सिंपल सा फंडा ध्यान में रखना है कि जहां पर डबल बॉन्ड दिख रहा है, अगर आपको पॉलीमर चैप्टर के अंदर अल्टरनेट पे डबल बॉन्ड दिख रहा है, तो आप डबल बॉन्ड अल्टरनेट पोजिशन से हटाओ और जहां पर पहले नहीं था वहां पर चेप दो। जैसे कि अगर आप इन दोनों फिगर को कंपेयर करोगे, तो इनमें जहां पर अल्टरनेट डबल बॉन्ड था इसके अंदर वहां पर नहीं है, और जहां पर इसमें नहीं था वहां पर इसमें है, ठीक है। तो ये एक तरीका है याद रखने का, क्योंकि रिएक्शन अगर आपको याद नहीं रहती है तो आप ऐसे इसको सॉल्व कर सकते हैं। मीन्स आइसोप्रीन में क्या होता है, अल्टरनेट पोजिशन पर डबल बॉन्ड होते हैं, आफ्टर पॉलीमराइजेशन के डबल बॉन्ड जो रहेगा वो हमारा सिंगल में कन्वर्ट हो जाएगा, और सिंगल डबल में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। आप इन फिगर्स में आसानी से देख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ से जब आइसोप्रीन का आपने पॉलीमराइजेशन कराया, तो आपको नेचुरल रबर मिल गया। और ध्यान देना, इसमें क्या होता है, जो पॉलीमर चेन है नेचुरल रबर की, वो 2000 से 3000 मोनोमर यूनिट्स से मिलकर बनी होती है, मीन्स बहुत ज़्यादा लार्ज नंबर ऑफ मोनोमर से मिलकर हमारा नेचुरल रबर या रबर बनता है। तो मेरे ख्याल से चीज़ क्लियर हुई होगी, नेचुरल रबर क्या होता है, कैसे हमको मिलता है, और क्या रिएक्शन इसकी है। और जो मैंने आपको फंडा यहाँ पर बताया है ट्रिक याद करने का, वो आप ज़रूर ध्यान में रखें। डबल को मैं यहाँ पर लिख देता हूँ एक बार, डबल को आपको सिंगल से रिप्लेस करना है, और सिंगल को आपको डबल से रिप्लेस कर देना है आफ्टर पॉलीमराइजेशन की, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करें कि आखिर में प्रोसेसिंग कैसे होती है नेचुरल रबर की। तो इसमें क्या करते हैं, बाय कटिंग ऑफ द बार्क ट्री द मिल्की कोलाइडल रबर इज ऑब्टेन, ठीक है। मिल्क का जो कोलाइडल रबर मिल्क है वो हम लोग निकाल लेते हैं, किसे, बार्क से। पहले ट्री को काटेंगे, ट्री के बार्क से हम लोग जो मिल्की कोलाइडल रबर मिल के, जिसको हम लेटेक्स बोलेंगे, उसको हम निकाल लेंगे। उसके अंदर जो होता है मेन कंस्टिट्यूएंट होता है वो लेटेक्स का होता है, दैट इज 25 to 45% ऑफ द रबर होता है। बाकी उसके अंदर बचा हुआ जो क्या होता है, कुछ वाटर हो सकता है, प्रोटीन या फिर रेजिनियस मटेरियल हो सकते हैं, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, रबर लेटेक्स को हम कोगुलेट कराते हैं बाय यूजिंग 5% एसिडिक एसिड। 5% एसिडिक एसिड उसके अंदर मिलाने के बाद उसका हम क्या करा लेंगे, कोगुलेशन करा लेंगे, और उसको हम शीट में कन्वर्ट कर देंगे एंड मेड इनटू शीट्स, ठीक है। द रबर शीट्स आर क्यूर्ड अंडर माइल्ड हीट एंड देन सब्जेक्टेड टू फर्दर प्रोसेसिंग। अब जो रबर शीट है उसको हम थोड़ी थोड़ी हीट के अंदर क्यूर्ड कराते हैं, मीन्स क्यूरिंग कराएंगे उसकी, ठीक है।
और फिर उसको हम आगे की प्रोसेसिंग के लिए भेज देते हैं। मेरे ख्याल से चीज़ें आपको क्लियर हो गई होगी कि रबर क्या होता है, नेचुरल रबर क्या है और क्या इसकी प्रोसेस है, एंड प्रोसेसिंग भी मैंने आपको समझा दी है। एंड कोई भी डाउट हो, कन्फ्यूजन हो तो आप हमसे पूछ सकते हैं, और सोशल नेटवर्किंग साइट के थ्रू भी आप लोग हमसे जुड़ सकते हैं, जहाँ पर आपको PDFs इंफॉर्मेशन मिलती रहेगी। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दी गई है। सो थैंक यू।